नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। चलिए फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं कुछ बड़ी खबरें। बिहार में सोमवार को 69 नए मरीज मिलने के बाद मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 346 हो गई है। इसकी जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी है। जबकि बिहार में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 है, वहीं इससे कुल 57 मरीज पूरी तरीके से ठीक भी हो चुके हैं। बिहार से बाहर फंसे छात्रों को वापस लाने को लेकर बिहार में सियासत तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर कटाक्ष किया। तेजस्वी यादव ने सुशील कुमार मोदी का एक ट्वीट शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि इनके दिमाग की लालटेन अब जली है। सभी भाजपा शासित सहित अन्य प्रदेशों ने अपने छात्रों को बुला लिया है, लेकिन इन महोदय ने 15 दिन से अपनी जुबान पर ताला लगा रखा है। इनके खास विधायक और सचेतक वीआईपी पास लेकर अपने बच्चों को कोटा से ले आए हैं, उन पर कुछ नहीं बोलेंगे। आम आदमी, बच्चे और मजदूर मरे, इन्हें क्या। पूर्णिया जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कोरोना पॉजिटिव शहर के रामबाग से मिला था, जिसके बाद इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। वहीं खुशकी बाजार और अपनी जगह वहीं खुशकी बाग बाजार को भी एहतियात के तौर पर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और इसके लिए इलाके में और भी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वहीं पूरे इलाके में सैनिटाइज करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। गया जिले के इमामगंज बाजार के डुमरिया मोड़ के दुकानदार चोरों से के आतंक से इन दिनों परेशान है। कोरोना के इस लॉकडाउन में चोरों ने 4 दिनों के भीतर 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया है। इस दौरान चोरों ने दुकानों के सारे सामानों पर अपना हाथ साफ किया है। वहीं पीड़ित होटल संचालक मनोज साव का कहना है कि होटल लॉकडाउन की वजह से बंद था और जब कुछ सामान निकालने के लिए होटल खोला गया तो देखा गया कि छत को काटकर, कैश के काउंटर को तोड़कर, कैश और अन्य सामान पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के एसपी द्वारा लॉकडाउन को लेकर जारी एक आदेश को लेकर विवाद पैदा हो गया है और इस पत्र के जरिए एसपी ने अपने महकमे के अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि अभी रमजान का महीना चल रहा है, मुस्लिम समाज के रमजान के रोजा रखने वाले लोग सामान की खरीदारी को लेकर बाहर आएंगे, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस आदेश को लेकर अब सत्ता पक्ष, खास तौर पर बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के विधान पार्षद सचिदानंद राय ने भी सवाल उठाया है। सचिदानंद राय का कहना है कि सरकार किसी धर्म विशेष को लेकर कैसे ऐसा आदेश जारी कर सकती है। शराबबंदी में शराब के अवैध कारोबार को अपनी कमाई का जरिया बनाने वाले पुलिस कर्मियों की शामत आई हुई है। बांका थाने के एक दरोगा शराब खरीदते पकड़ा गया है। खबर यह है कि समुखिया मोड़ मैदान के पास चौकीदार से एक जो दरोगा है वो देशी शराब खरीद रहे थे। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद शराब की खरीदारी करता हुआ आरोपी दरोगा रामप्रीत पासवान की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं शराब की डिलीवरी करने वाले चौकीदार को भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार सरकार के सख्ती के साथ लॉकडाउन के पालन के दावे की प्रवासी मजदूरों ने हवा निकाल दी है। लॉकडाउन में के एक महीने के बीतने के बाद सोमवार को मजदूरों की एक टोली मध्य प्रदेश से पैदल चलकर पटना पहुंच गई। 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर पैदल ही मध्य प्रदेश के मुरैना से चलते हुए पटना पहुंचे और यहां से दरभंगा के लिए रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के मुरैना से सभी मजदूर 11 दिन पहले पैदल निकले थे और 11 दिन के बाद वो पैदल चलने के बाद सोमवार को पटना के NH 30 से गुजरते हुए दरभंगा के लिए निकल गए, लेकिन किसी ने उन्हें रोका टोका नहीं और न ही उनकी किसी प्रकार की कोई जाँच की गई। पटना के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी अब कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र से के गांव से एक 2 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को जैसे ही लगी, स्थानीय प्रशासन ने तुरंत ही उस गाँव को सील करते हुए गाँव के लोगों को घर में रहने का निर्देश दिया है। बच्चे के परिवार के लोगों से बच्चे और उनके माता पिता की जानकारी ली गई है, साथ ही साथ सभी लोगों को स्वास्थ्य जांच कराने का निर्देश दिया गया है। देशव्यापी लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के बाहर फंसे छात्रों के लिए बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के सभी लोगों के खातों में 1,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान
लाभ बिहारी छात्रों को भी मिलेगा। सरकार इन छात्रों के खाते में 1,000 रुपए डालेगी। राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने इसकी जानकारी दी। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार दोपहर 3 बजे तक देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 29,435 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 934 हो गया है। वहीं इससे अब तक कुल 6,869 लोग पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। तो फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें सिटी पोस्ट। नमस्कार।